सो ही गाइस, हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं Redmi Note 13 Pro स्मार्टफोन के बारे में। ये जो स्मार्टफोन है गाइस, हम लोगों को बहुत जल्दी इंडिया में देखने को मिलेगा, और कब लॉन्च होगा, कितने प्राइस में लॉन्च होगा, पूरे स्पेसिफिकेशन सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना गाइस, आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे इस फोन के डिस्प्ले से, तो यहां पे गाइस आपको 6.68 इंच का एक ओलेड पैनल देखने को मिलेगा विद 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट। यहां पे अच्छी बात ये गाइस कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, और इस फोन का जो लुक और डिजाइन है ना, वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फोन जो है ना, वो Redmi Note 12 जैसा ही है, Note 12 Pro जैसा ही है, बट थोड़े बहुत चेंजेस के साथ ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। इसके कलर्स वगैरह, इसका जो कैमरा कटआउट है, कैमरा बम्प है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे गए तो आपको फोटोग्राफ्स दिख रहे होंगे, आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद में आया। अब आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि Redmi Note 13 सीरीज़ में 3 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, जहां पे पहला स्मार्टफोन होने वाला है Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन, जिसमें कर्व डिस्प्ले होने वाला है, और साथ में दूसरा जो अभी इस वीडियो में बात चल रहा है वो है Redmi Note 13 Pro स्मार्टफोन, और थर्ड जो है वो Redmi Note 13 होने वाला है। ऑब्वियसली जो Redmi Note 13 है वो 5G के साथ लॉन्च होगा, और साथ में एक अलग से Redmi Note 13 4G वाला वेरियंट भी लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे Note 13 जो बेसिक वेरिएंट होगा उसमें 5G या 4G हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है, लेकिन प्रो और प्रो प्लस वेरिएंट हमारे 5G होने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस इस वीडियो में हम लोग Redmi Note 13 Pro के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो फोन है सबसे ज्यादा बिकने वाला है, और ये जो बीच वाला स्मार्टफोन है ना प्रो सीरीज, वो बहुत ज्यादा लोग इसकी डिमांड करते हैं, और बहुत ज्यादा Redmi Note सीरीज के लिए स्पेशली एक्साइटेड होते हैं। तो गाइस इस फोन में हम लोगों को 3.5mm जैक देखने को मिलेगा, जो कि आज के डेट में कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन Redmi बहुत अच्छे से ध्यान रखता है हम सब लोगों का। साथ में वो आयर ब्लास्टर जो Redmi की पहचान होती है। दूसरी चीज गाइस, यहाँ पे डुअल स्पीकर देखने को मिलेगा, और स्टीरियो होने वाले बहुत अच्छे साउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गाइस मैंने आपको बताया डिस्प्ले जो है वो 4K सपोर्ट करेगा, लेकिन 4K 60fps में थोड़े बहुत जिटरीनेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका जो प्राइस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसका जो प्राइस है अराउंड 25,000 रुपीज होने वाला है। एग्जैक्ट प्राइस की बात करें गाइस, तो ये जो फोन है वो 22,999 रुपए में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि Redmi Note 12 सीरीज जो था, Note 12 Pro, वो भी इसी प्राइस के आसपास लॉन्च हुआ था, 24,000 के अराउंड। लेकिन अभी की मार्केट को देखें तो Redmi को जो अपना फोन है Redmi Note 13 Pro को, उसको अराउंड 20-21,000 रुपए में लॉन्च करना पड़ेगा। अगर 20-21 में ये फोन लॉन्च करते हैं, 20 के अंदर भी लॉन्च करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सही होने वाला है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिया गया है, प्रोसेसर बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं, आगे मैं आपको बताऊंगा। इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि अगर Redmi Note 13 Pro में अगर ये लोग प्रोसेसर चेंज कर देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो ये जो फोन है वो अराउंड 20-21,000 रुपए के लायक ही है। इससे ऊपर गया तो फिर सेल इसकी कम हो जाएगी, और पहले जैसे लोग एक्साइटेड नहीं है। जब आईफोन 10 आया था, आईफोन X, तो उस टाइम में गाइस Redmi Note 5 आया था, बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे, क्योंकि पूरा कॉपी डिज़ाइन था और बहुत लोग खरीदते भी थे उस स्मार्टफोन को। तब से Note सीरीज काफ़ी ज़्यादा मैं सुन रहा हूँ, उससे पहले भी पॉपुलर था, बट उस टाइम कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ था। तो यहाँ पे गाइस LPDDR4X रैम है, 5X भी नहीं है, और साथ में गाइस मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये जो फ़ोन है ना वो Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, ये एक नया प्रोसेसर है, इसका अंततः स्कोर अराउंड 5 लाख के आसपास है, तो ये बहुत ज़्यादा गुड नंबर नहीं है, और फ्लैगशिप लेवल नहीं है, मिड रेंज का है। और अगर आप एक प्रो गेमर वगैरह हो, हाई परफॉर्मेंस वाला फ़ोन ढूंढ रहे हो, तो शायद आपके लिए ये नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन मीडियम काम करना है, थोड़े बहुत वीडियोज़ बनाने हैं, थोड़े बहुत कैजुअल वर्क करना है, ऑफिस वर्क करना है, डेफिनेटली गाइस ये संभाल लेगा बहुत अच्छे से। इस फोन में गाइस 5100mAh मतलब 5100mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, साथ में 67W का चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी कि Note सीरीज में इन द बॉक्स चार्जर होते हैं, और वो भी फास्ट चार्जर होंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद में आने वाला है। अगेन गाइस लुक और डिज़ाइन में थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि इसका जो बैक होने वाला है वो ग्लास का होने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम Note सीरीज जो होते हैं, नोट प्रो सीरीज स्पेशली, वो ग्लास बैक के साथ आते हैं, लेकिन फ्रेम इसका प्लास्टिक का ही होने वाला है, लेकिन लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और इसके वाइट कलर वाले वेरियंट में जो है मार्बल वाला टेक्स्चर आपको दिख रहा होगा, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। और हाँ, आजकल चमकीला फ़ोन ज़्यादा लॉन्च कर रहा है Redmi, तो इसमें चमकीलेपन जो है वो होंगे। होप आपको ये वीडियो, आपको ये फोटो में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब फोन आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो फोन है गाइस 5G के साथ आएगा, लेकिन इसमें IP54 होने वाला है, मतलब एटलीस्ट IP68 ये सब होना चाहिए था, तो हल्के फुल्के पानी के छींटे से बचाएगा,
डूब उब गया तो भाई फोन खराब हो जाएगा। वैसे भी 68 हो या 54 हो, अगर फोन वाटर डैमेज है तो वो वारंटी में बिल्कुल भी कवर नहीं होता है। बात करते हैं कैमरा की, तो ये जो फोन है एंड्रॉइड 13 के साथ लॉन्च होने वाला है। हो सकता है इंडिया में लॉन्च होते तक एंड्रॉइड 14 आ जाए, क्योंकि लॉन्च डेट में आगे आपको बताने वाला हूं। कैमरा सुन लो, 200 मेगापिक्सल का कैमरा होगा मेन वाला, वो भी OIS के साथ। और जो दूसरा कैमरा होने वाला है वो 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है, और एक तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ या फिर मैक्रो जो भी है वो होने वाला है। और साथ में गाइस यहाँ पे जो हमारे पास जो सेल्फी कैमरा है वो मात्र 16 मेगापिक्सल का होगा। फोटोज भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, तो इस हिसाब से इसको 20,000 रुपये तक ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये उससे ऊपर जाता है तो शायद मुझे थोड़ा सा गुस्सा आएगा, आप लोगों को भी आएगा। आप लोग कमेंट में जल्दी से बताना। अब गाइस यहाँ पे ये फ़ोन कब लॉन्च होगा, क्योंकि प्राइस वगैरह सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया, इससे ऊपर वो जाएगा नहीं। और अगर ये लोग 25 से ऊपर चले जाएंगे या फिर 22-23 से भी ऊपर चले जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेकार होने वाला है इस स्पेसिफिकेशन के साथ। सेल्फी वगैरह तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन बैक कैमरा OIS के साथ बहुत अच्छा वर्क करेगा। और साथ में ये जो फोन है 4K 30fps भी सपोर्ट करता है। लॉन्च डेट की बात करें गाइस, तो ये जो फोन है जनवरी 2024 में आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये जो फोन है ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है, चाइनीज वेरियंट सारा लॉन्च हो चुका है। लेकिन पिछले साल जो Redmi Note 12 Pro या फिर Note 12 सीरीज मैं बोलूँ जो लॉन्च हुआ था, वो जनवरी लास्ट वीक में हुआ था। तो जनवरी में ही ये फ़ोन फिर से लॉन्च होगा, और दिसंबर जस्ट आने वाला है, तो आपको 1 महीने वेट करना पड़ेगा, अराउंड 1-2 महीने, उसके बाद आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप Redmi Note सीरीज़ के फ़ैन हो तो आप वेट कर सकते हो 1-2 महीने अगर आप फ़ोन लेने का सोच रहे हो, और इसी डेट के आसपास ही ये लॉन्च होने वाला है। तो कन्फर्म लॉन्च वगैरह सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, आप इस फ़ोन के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं प्लीज़ कमेंट में बता देना। और साथ में Redmi Note 13 Pro Plus और साथ में Redmi Note 13 का भी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट कर देना। बाकी Redmi Note 13 Pro के बारे में मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।